आज माननीय अध्यक्ष जी हम स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में इस मामले में दुनिया में टॉप थ्री में पहुंच गए। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा जी? लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है मोदी 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 करते रहे तो है यही कर रहे थे हाँ। सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी का मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए मोदी जी का नाम तो करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष जी मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको प्लीज। देखिए माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, यह तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त प्लीज बैठे प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। अध्यक्ष जी सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। रहिए। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है खुद की समझ पर बेइंतहा, उन्हें आईना मत दिखाइयो, इन्हें
आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है, कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे हैं और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते? अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने मैं इसके लिए सहमत हूं, कागज लेके बाद में बोल ले। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं।